राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रदेश के विकास के लिए नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की है। पटना में राज्य ऋण संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए नाबार्ड सराहनीय कार्य कर रहा है। और वो आए बड़ी मेहनत के साथ, भारत सरकार और राज्य सरकार की पूरी शक्ति ने। आखिर यह पलायन क्यों हुआ, इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये बैंकर्स और ये बैंक के अधिकारी काम नहीं करेंगे तो बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने बैंकों से आग्रह किया कि वे राज्य फोकस पेपर में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के साथ साथ एमएसएमई तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुझाए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीर रहें। कोरोना संक्रमण काल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। हालांकि ग्रामोद्योग और लघु उद्यम इस दौरान भी काम करते रहे, लेकिन बाजार न होने की वजह से उन्हें अपने उत्पाद बेचने में कठिनाई हो रही थी। जीविका से जुड़ी महिला उद्यमियों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही थीं। इनके लिए पटना में कल से महिला उद्यमी मेला शुरू हुआ है। महिला विकास निगम द्वारा आयोजित इस मेले के प्रति उद्यमियों और आम जनों में काफी उत्साह है। देखिए ये रिपोर्ट।